बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर रेल चक्का जाम आंदोलन किया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इसी के साथ कई राज्यों में किसान रेल रोक आंदोलन के माध्यम से अपना आक्रोश दिखाते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। दरअसल रेल रोको अभियान से किसान संगठन का मकसद सरकार पर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाना है। इसी के चलते मेरठ के सिटी स्टेशन पर भी आज रेल रोको आंदोलन किया गया, जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े दिखाई दिए और लगातार राकेश टिकैत के नारे लगाकर आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। वहीं किसानों का ये आंदोलन आज 12 से 4 बजे तक चला। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने गुजर जाने के बाद गुरुवार को देश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये अभियान चलाया गया, जिसके चलते दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में मुख्य तौर पर इसके तहत सुरक्षा कड़ी दिखाई दी। वहीं इस किसान मोर्चा का असर पूरे दिन में कई जगह पर देखने को मिला। अंबाला में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक पर बैठे दिखाई दिए। दिल्ली के आसपास भी किसानों ने रेल रोको आंदोलन के चलते ट्रैक पर कब्जा रखा। इसी के साथ गाजीपुर बॉर्डर के पास मोदीनगर रेलवे स्टेशन पर भी किसानों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी। बता दें कि अलग अलग रेलवे ट्रैक पर पुलिस की सुरक्षा सख्त थी। किसानों के रेल रोको अभियान के बीच दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों में भी एंट्री बंद करी गई थी। तो आज के इस रेल रोको आंदोलन में हमारी सहयोगी शिवानी मांगवानी वहां पर मौजूद थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। सर, ये क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, जिस तरीके से आज ये रेल रोको आंदोलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सरकार ने रोक रखी है। हमारे चौधरी साहब का आह्वान है, पूरे हिंदुस्तान में रेल रोको अभियान है और इसके द्वारा हम जो हमारे तीनों काले कानून हैं और जो MSP में सरकार अभी बाधा बनी है, भारत सरकार जो है ये हम आम जन जन को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, तीनों कानून गलत हैं और सरकार इसे पीछे खींचे जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब करने से सरकार जो अपने कानून वापस ले देगी? नहीं, सरकार को कानून तो हर हाल में वापस लेने पड़ेंगे, ये तो किसान ठान चुका। इसमें चाहे 2 महीने लगो, 6 महीने लगो, साल भर लगो, हम लोग इससे पीछे नहीं हटे। MSP नहीं तो घर वापसी नहीं। हम लोग तो दिल्ली से आए थे सिर्फ इसलिए रेल रोको के लिए, पूरे हिंदुस्तान में रेल चक्का जाम। तो आप देख सकते हैं किसान जो है लगातार डटे हुए हैं। हुई है साल भर से रेल रुकी हुई है, तब कोई फर्क नहीं पड़ा, इस जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज घंटा दो घंटा रोकने से जो है इस पर फर्क पड़ जाएगा। पर अभी भी लगाया जा रहा है कि इसमें आपकी भी सेहत जो है खराब हो रही है, पिछले 2 महीने से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी जो फैमिली, आप अपनी फैमिली से दूर रहे हैं, तो क्या सेहत का ध्यान तो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने किसान की सेहत का ध्यान ही नहीं किया। तो आपको लगता है कि सरकार इस तरीके से आपके जो है? नहीं, अपना काम हम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी, सरकार का काम अपना काम करने का, हमारा काम अपना काम करने का, विरोध तो दर्ज कराएंगे अपना। तो जैसे कि आपने देखा, किसान जो है अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपने लक्ष्य पर, और उन्होंने ये भी बोला कि चाहे उनके ऊपर से ट्रेन उतर जाए, वो मर जाए, पर उनको कोई गम नहीं है, वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से जो है किसान अपनी हिम्मत जुटाए हुए पिछले 2 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी के चलते उन्होंने ट्रेनों पर रोक लगा दी है और आज वो यहाँ पर मेरठ सिटी कैंट पर यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और उनकी पूरी जो है हिम्मत कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो डटे हुए हैं पिछले 2 महीने से, और अब देखते हैं सरकार क्या आदेश लेती है, क्या इतना करने के बाद भी सरकार उनकी सुनती है, क्या उनकी मांगे पूरी करती है। जाने के लिए देखते रहे फर्स्ट बाइट TV। तो अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।